नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। आर्टिकल 370 का मसला संविधान पीठ को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने पर फिलहाल कोई रोक नहीं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को संविधान पीठ में भेज दिया गया है। बेंच ने कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को बेअसर करने वाले संविधान संशोधन और राज्य के पुनर्गठन के कानून पर नहीं रोक लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 अगस्त को लोगों को सेहतमंद रखने की मुहिम फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, जिसका मुख्य लक्ष्य लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना होगा। भारत में हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का भी जन्मदिन भी है। फिट इंडिया मूवमेंट में जगत उद्योग, फिल्मी उद्योग, खेल जगत के अलावा अन्य अनेक हस्तियां शामिल होंगे। इस अभियान पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल पर काम करेंगे। इमरान खान के मंत्री का दावा, अक्टूबर के अंत में होगा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख शहीद अहमद ने कहा है कि नवंबर दिसंबर में दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन जाएंगे। रशीद ने कहा है कि उन्होंने हथियार दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या हमने ये एटॉमिक ताकतें किराए पर देने के लिए रखी है? जिस हालात से ईरान आज गुजर रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि अपनी ताकतें एटॉमिक ताकतें हो, लेकिन जो पाकिस्तान एटॉमिक ताकतें बनाए हैं वो हमने ये हथियार कोई सबारत या फिर दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि जलसा जलसा और जुलूस देख रहा है और इमरान सरकार की तकरीर जो कि 26 या फिर 27 सितंबर को वही अहमियत रखी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने आज तक मसलों को हल नहीं किया है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल मसले को हल करती है तो आज कश्मीर में राय शुमारी हो चुकी होती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बांटने के फॉर्मूले पर कोई बदलाव नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ तय हुए सीट बांटने के फॉर्मूले पर कोई बदलाव नहीं है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना में पिछले करीबन एक महीने पहले 12 वरिष्ठ कांग्रेसी और एनसीपी नेता शामिल हुए हैं, जिसमें से अटकने शुरू हो गई है कि दोनों सत्तारूढ़ सहयोगी 2014 की तरह राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच राजनीतिक गठबंधन की घोषणा इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में कर दी गई थी। उन्होंने कहा है कि हमने सीट बांटने के लिए जिस फॉर्मूले पर काम किया है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राज ठाकरे इसी साल फरवरी में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि दोनों दल बराबर बराबर सीटें पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी कुछ सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन और अन्य दलों के लिए रहेगी। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, औरंगजेब का कमांडर इटालियन था। अयोध्या केस की सुनवाई के 14वें दिन राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने दलील रखी है। उन्होंने 3 किताबों का जिक्र करते हुए कहा है कि आईने अकबरी हुमायूं नामा में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद की बात नहीं है। तुर्क जहांगीरी किताब में भी बाबरी मस्जिद के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पीएन मिश्रा ने कहा है कि हमारे मंदिर को तोड़ा गया है। बाबर सिर्फ एक बात से वाकिफ था कि जमीन वक्फ की है। पीएन मिश्रा ने कहा है कि निकोलो मनुची ने एक किताब लिखी थी जो कि इटालियन था और औरंगजेब का कमांडर था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या औरंगजेब का कमांडर इटालियन था। पीएन मिश्रा ने कहा है कि हाँ, औरंगजेब का कमांडर इटालियन था। पाकिस्तान की यूएनएससी को लिखे चिट्ठी में नाम आने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान। पाकिस्तान की चिट्ठी में राहुल गांधी का जिक्र आने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से सफाई आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मसला है, इसमें पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से असहमत हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और पाकिस्तान या फिर दुनिया के किसी देश के लिए इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का समर्थन के रूप में कुख्यात है। मोदी सरकार ग्राहकों का बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब फोन की तरह बदल सकेंगे बिजली कंपनी। मोदी सरकार ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। पावर सेक्टर में बड़े सुधार के मद्देनजर ग्राहकों को और ज्यादा सुविधा देने के लिए पावर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े सुधार करने जा रही है। अगर मौजूदा बिजली वितरण कंपनी सही सर्विस नहीं दे रही है तो आपके पास विकल्प होगा कि दूसरी कंपनी का चयन कर ले। इसके लिए सभी राज्यों को ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिया गया और कहा गया है कि फ्रेंचाइज मॉडल को अपनाए। मतलब यह है कि एक एरिया में कई पावर सब डिवीजन कंपनी होंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि 3 महीने में निजी कंपनियों के चुनने के लिए बिल्डिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल सरकार चाहती है कि निजी कंपनियों के आने से पावर इंफ्रास्ट्रक्चरिंग और सप्लाई बढ़ेगी। निजी कंपनियों की जिम्मेदारी बिल कनेक्शन और पावर कनेक्शन देने की होगी और साथ ही पावर सप्लाई की भी जिम्मेदारी उनके पास होगी। यह कमीशन के आधार पर तय किया जाएगा। अमित शाह बोले, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश को शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि देश को $5 ट्रिलियन
डॉलर की इकोनॉमी बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अब तक करीबन 34,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के पुलिस की साख इतनी मजबूत हुई है और इसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर जरूरी परिवर्तन के लिए देश भर में एक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, सबका सुझाव लेकर के उसे गृह मंत्रालय में भेज दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सीआरपीसी और आईपीसी की जरूरी बदलाव के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कायम स्कैनर ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, मैलवेयर से लाखों यूजर्स प्रभावित है। कायम स्कैनर ऐप काफी पॉपुलर ऐप है, अगर आपके स्मार्टफोन में भी यह ऐप है तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक बड़ी समस्या और यह समस्या एक बार फिर से एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। कुछ समय से लगातार गूगल प्ले स्टोर पर मैलवेयर वाले ऐप मिल रहे थे। लैब पर स्काई लैब ने कहा है कि गूगल प्ले स्टोर पर पॉपुलर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप कैम स्कैनर में कुछ खतरनाक मॉड्यूल मिले हैं जो या तो ऐड को पुश कर रहे थे या फिर यूजर्स के स्मार्टफोन में बिना सहमति से वो डाउनलोड हो जा रहे थे। इस ऐप के एक तरह का ट्रैप ड्रैगन पाया जाता है जिसकी मदद से हैकर आपके स्मार्टफोन को टारगेट कर सकते हैं और किसी तरह के मैलवेयर से आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सरकार ने बंपर भर्ती का किया ऐलान, 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सूबे के हालत समान है, जान माल का नुकसान नहीं होने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कश्मीर में 50,000 सरकारी नौकरी मिलेगी। राज्यपाल ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर प्रशासन में 50,000 नौकरियों की घोषणा करते हैं। हम युवाओं से पूरे जोश के साथ शामिल होने की अपील करेंगे। आने वाले 2 से 3 महीने में हम पदों की भर्ती कर लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा बहुत जल्द मुजफ्फराबाद में हिंदुस्तान में होगा। कश्मीर मसले पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पीओके पर ही बातचीत होगी। उन्होंने कहा है कि भारत न तो किसी के अंदरूनी मसले पर दखल देता है और न ही वो अपने अंदरूनी मसले पर किसी का दखल अंदाज बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा है कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जो हम पर हमला करेगा हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है, पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मुजफ्फराबाद में हिंदुस्तान में आ जाएगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देश में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज, गन्ना किसानों को भी बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है। इसकी शुरुआत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की श्रद्धांजलि देने के साथ हुई है। बैठक में मेडिकल कॉलेज और किसानों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इस पर 24,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज देश में एमबीबीएस के 15,700 सीटें बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 60,00,000 टन चीनी के निर्यात के लिए 268 करोड़ रुपए के निर्यात सब्सिडी देने की भी मंजूरी की गई है। उन्होंने कहा है कि देश में 162,00,000 टन चीनी का स्टॉक है, इसमें से 40,00,000 टन बफर स्टॉक है और बाकी 60,00,000 टन चीनी का निर्यात किया जाता है। कश्मीर में आवाज कुचलने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल कर रही है सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता केंद्र सरकार पर कश्मीर घाटी में असंतोष की आवाज को कुचलने के लिए क्रूर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की अगुवाई सेवानिवृत्त नौकरशाह कर रहे हैं जो बस सरकार के हां में हां मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में क्या चल रहा है, सरकार घाटी में असंतोष की सभी आवाज को कुचलने के लिए क्रूर ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को या तो धमकी दे रही है या फिर पैसे देकर के उन्हें खरीद ले रही है। तो महागठबंधन की सीटों की हिस्सेदारी को लेकर के है पूरी पॉलिटिक्स। मांझी ने की बड़ी मांग, बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यूं तो अलग अलग नेताओं द्वारा बीते 3 दिनों में दिए गए बयानों से जाहिर हो गया है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने सोमवार को तेजस्वी यादव को अनुभवहीन बताया है, तो मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व चुनने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्वतः सौंप दी है। दूसरी ओर आरजेडी ने मांझी और कांग्रेस पर निशाना लिया है, जबकि आरएलएसपी के नेता जीतनराम मांझी को नसीहत दी है कि अब लगभग साफ हो जाता है कि महागठबंधन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले वाली स्थिति में खड़ा हो गया है, जब सभी दलों अलग अलग सुर में हैं। जानकारों का मानना है कि महागठबंधन दलों के भीतर यह विरोधाभास इसीलिए दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव होने में अभी 1 साल से अधिक वक्त बाकी है, लेकिन अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में करने के लिए अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में आगे बढ़ने की तीसरी प्रक्रिया की पूरी। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया 28 अगस्त 2019 सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार 9:04 पर हुई है। इस दौरान यान में मौजूदा पूर्वोदय प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रक्रिया में 1190 सेकंड लगे हैं और या फिर यान 180 किलोमीटर गुना 1412 किलोमीटर कक्षा में गए हैं। उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष यान में सभी मापदंड समान है। इसी तरह की अगली प्रक्रिया को 30 अगस्त 2019 को भारतीय समय अनुसार 6 बजे से 7 बजे के बीच अंजाम दिया जाएगा।
फिर से बीएसपी अध्यक्ष बनी मायावती। अनुच्छेद 370 पर की मन की बात है। मायावती फिर से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गई हैं। लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान हुआ है। इस घोषणा के बाद मीटिंग में मौजूदा लोगों ने तालियां बजा करके मायावती का स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बहन जी को फूल से लाद दिया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपनी जरूरी कार्रवाई पूरी की है। 1984 में काशीराम ने एक पार्टी के रूप में बीएसपी का गठन किया था। वैसे मायावती का अध्यक्ष चुने जाना एक खानापूर्ति ही है। 370 पर मायावती ने कहा है कि यह बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था कि वे कश्मीर को अलग से विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सही सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।